मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है। 7 से 8 जुलाई से बारिश का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव होने की संभावना है। इस वजह से प्रदेश में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हो सकती है। इससे पहले मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। रीवा, नीमच, श्योपुरकला, भिंड, शिवपुरी, रायसेन, सतना समेत 13 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत प्रदेश के अन्य जिलों में भी पानी गिरेगा। मौसम विभाग का कहना है कि पूरे प्रदेश में जुलाई में 6 मिलीमीटर वर्षा कम हुई है। लगभग 15 जुलाई से प्रदेश में सभी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा की संभावना है। इंतजार रहता है मानसून का कि गर्मी जो निकल गई है उसके बाद ठंडक का एहसास हो, रिमझिम वर्षा होती रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वर्षा की स्थिति को लेकर कमी देखने को मिल रही है, या कह सकते हैं गर्मी का एहसास अभी भी काबिल है, कायम है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि वर्षा आने वाले समय में और तेज हो सकती है और इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, तो क्या स्थिति है मौसम की, आइए जानते हैं मौसम वैज्ञानिक से। हमारे साथ है भाई साहब, आपका नाम? मैं प्रकाश धोले, मौसम विज्ञानी, मौसम केंद्र भोपाल। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे एक सैटेलाइट पिक्चर बना हुआ है। ये सैटेलाइट पिक्चर में जो है मानसून ट्रफ जो है उधर, एक्चुअली यहाँ पे मानसून ट्रफ का कल का जो पोजीशन है बीकानेर से लेते हुए आसनसोल तक जा रहा है, और यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है राजस्थान के ऊपर, और इस पर्टिकुलर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वहाँ से एक ट्रफ लाइन भी जा रही है बांग्लादेश तक, और उसके साथ ही एक गुजरात के ऊपर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, और ये पर्टिकुलर मींस इम्पैक्ट जो है इनका, और एक ऑफशोर ट्रफ भी है, इनके चलते जो है नमी जो है पूरी मिल रही है, पूरे कंप्लीट मानसून कंप्लीट ऑल ओवर इंडिया छा गया है, और जो है मध्य प्रदेश में भी अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। पूरे प्रदेश में जो है अच्छी बारिश दर्ज की गई है, कहीं कहीं जो है हेवी रेनफॉल भी दर्ज किया जा रहा है। तो आने वाले 24 घंटे में जो है, जो हमने यहाँ पे पूर्वानुमान दिया है, तो जिससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है 5 तारीख के लिए पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसमें जो है उत्तरी क्षेत्र जो है दिख रहा है, वहाँ पे जो लाइट ब्लू कलर है, वहाँ पे जो है रेनफॉल जो है मेनी प्लेसेस पे होने की संभावना है, जिसमें कि ग्वालियर चंबल संभाग है, उसके बाद नीमच मंदसौर है, और रीवा संभाग है, सागर संभाग के जो उत्तरी जिले हैं वहाँ पे जो है वर्षा जो है 75% क्षेत्र में होने की पूरी संभावना बनी हुई है। और पूरे प्रदेश में जो है ग्रीन कलर है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल जो है कहीं कहीं ज़्यादा है, कहीं कहीं थोड़ा कम है। तो इसके साथ ही हमने वार्निंग भी दी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं कि येलो कलर का अलर्ट दिया हुआ है, जिसके वजह से वहाँ पे गरज चमक के साथ बौछारें गिरेंगी, कहीं कहीं तेज हवाएं भी चल सकती है। तो यहाँ पे जो है कहीं कहीं जो आप देख सकते हैं कि शिवपुरी जो है, शिवपुर है, और दतिया, भिंड, मुरैना जो है वहाँ पे मीन्स हैवी रेनफॉल का वार्निंग भी दिया हुआ है, अलर्ट भी दिया हुआ है, छतरपुर में दिया है, सतना, रीवा, मऊगंज, सिंगरौली, सीधी में, तो ऐसे जगह पे आने वाले मीन्स दिनों में जो है वर्षा जो है मीन्स मानसून जो है धीरे धीरे सक्रिय हो जाएगा, और मानसून ट्रफ का पोजीशन जैसे ही अपना मीन्स मध्य प्रदेश के ऊपर या सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया के ऊपर सेट हो जाएगा, तो मीन्स वर्षा की जो मीन्स क्वांटिटी है वो अच्छे से बढ़ेगी। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मौसम वैज्ञानिक का भी साफ कहना है कि अभी 3 से 4 दिन तक का इंतजार और करना पड़ेगा, जो हम माइनस में देख रहे हैं इसे प्लस में होने के लिए, यानी हम कह सकते हैं वर्षा में वृद्धि होने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा, और जो उमस का माहौल है वह अभी और सहन करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अमित छोटे के साथ संजय डोंगर, दिव्य भोपाल।